क्या आप जानते हैं कि रेस 3 का एक्शन सलमान खान ने खुद परफॉर्म किया है विदाउट एनी बॉडी डबल? यस, फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन में सलमान की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे सलमान का प्रोफेशनलिज्म और उनके एफर्ट्स देखने लायक हैं। उनकी उम्र 52 साल है, लेकिन वो कई यंग सुपरस्टार्स को अपनी फिटनेस के जरिए अब भी कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। थाईलैंड में जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि एक बाइक सीक्वेंस वहां शूट करना था। सलमान ने उस बाइक सीक्वेंस के लिए बॉडी डबल लेने से मना कर दिया। वो जंगलों में बाइक चलाने का एक सीक्वेंस था जिसमें सलमान खुद बाइक पर बैठे और उन्होंने खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली। रेस 3 का एक्शन पिछली रेस से के मुकाबले बढ़िया लेवल पर ले जाना है, इसीलिए रेमो डिसूजा ने इसके लिए ज्यादा मेहनत की और कई स्पेशल सीन्स कराए सलमान खान से। कमाल है कि सलमान ने उसमें बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया और सारे एक्शन खुद ही करे। हालांकि खुद कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर रेमो ने इस फिल्म में सलमान को खुद ही एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करने के लिए सपोर्ट भी किया था। बताया जाता है कि इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स भी बुलाए गए थे, जैसे टॉम स्ट्रूथर्स और एनल रासू, जिन्होंने इस फिल्म की एक्शन को लार्जर इन लाइफ बनाने के लिए काफी सजेशन दिए हैं और सलमान ने उन्हें फॉलो भी किया है। फिल्म में सलमान के साथ नजर आएंगी जैकलिन, डेजी, अनिल कपूर, बॉबी देओल, साकिब सलीम इंपॉर्टेंट रोल्स में। 15 जून को फिल्म रिलीज होगी। कीप वेटिंग एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड।